सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन फोरम पर। तो गाइस, आज हम कुछ बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के बारे में, जो टिकटॉक पे बहुत ही चल रहा है वीडियो, और बहुत ही मतलब व्यूज लाइक आ चुका है। जो वीडियो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे चल रहा है वो वीडियो, तो वो वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को फुल देखना है, और वो वीडियो सिर्फ 5 मिनट में एडिट करके दिखा देंगे। तो वीडियो को फुल एंड तक देखो, वीडियो अच्छी तरह से समझो, उसके बाद आप एडिट कर पाओगे। अगर नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फुल वीडियो देखो उसके बाद ही समझ में आएगा। तो चलो हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम अभी आ गए हमारा मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक वीडियो शूट कर लेना, जो वीडियो दिखाया था इस तरह से सेम शूट कर लेना। देख सकते हो यहाँ पे कैसे मैंने शूट किया, जो बादल भी आना चाहिए और नीचे बैकग्राउंड भी रहना चाहिए, तो ऐसे ही वीडियो शूट कर लेना। उसके बाद क्या करना, आप लोगों को एक एप्लीकेशन जिसका नाम है काइन मास्टर ऐप, वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो उसको ऑन कर लेना है, जैसे मैंने ऑन किया। उसके बाद क्या करना है, प्लस वाला आइकन पे जो क्लिक करके जो वीडियो मैंने दिखाया उसको क्या करना है, ले लेना है यहाँ पे। तो मीडिया पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करने के बाद उस वाला वीडियो को लेके आना है यहाँ पे। तो मैं उस वीडियो को लेके आ जाता हूँ, उस वीडियो को लाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, अगर साइड में कुछ गलत वीडियो मतलब ख़राब वीडियो रहेगा तो उसको काट सकते हो कैसे, वीडियो पे क्लिक करके कैची पे क्लिक करने के बाद जिस तरह से भी काटना चाहते हो वैसे ही क्लिक कर देना, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले इट, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले इट कर देना। तो मेरा सही है, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे जहाँ से मेरा रोल शुरू होता है, उंगली दिखाता हूँ मैं आकाश, तो वहाँ से क्या करना, दो हिस्सा कर लेना, ट्रिम टू ना स्प्लिट टू प्ले इट कर देना है। तो मैंने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, जो PNG आप लोगों को डाउनलोड करना है, 3 PNG, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ले लेता हूँ जो PNG है। तो फोटो पे आना है, लेयर पे जाने के बाद, मीडिया पे जाने के बाद, तो मैं उस PNG को ले लेता हूँ। पहले सबसे पहले दिल हार्ड वाला लेना है, सॉरी ये नहीं, कुछ दूसरा वाला है, वही सेम ले लेना है, हार्ट, ये हार्ट, इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को थोड़ा सा, इसको ऐसे छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा करने के बाद यहाँ पे ठीक से बैठा देना है, यहाँ पे बैठाने के बाद राइट लगा देना है। उसके बाद लास्ट में जाके जो बाकी हिस्सा है उसको काट देना है कैसे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीजर पे जाके ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लेट कर देना है। उसके बाद यहाँ वीडियो की शुरू पोजिशन पर आने के बाद की वाला आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो वीडियो को थोड़ा सा आगे लाना है। उसको लाने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे कर देना है, उसके बाद इसको फिर से थोड़ा सा आगे लाना है, या इस इधर साइड में कर देना है, इसको फिर से थोड़ा सा नीचे लाना है, इसको नीचे साइड में कर देना है, इसको यहाँ से छोड़ देना है। उसके बाद क्या कर देना, राइट कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे वीडियो दिखा देता हूँ चालू करके मैं, कैसा हुआ है वीडियो हमारा, तो देख सकते हो ये साइड में आ गया। तो इसको क्या कर देना, इसमें क्लिक करना है, इसमें जाके यहाँ से थोड़ा सा ये कम कर देना है, कम करने के बाद फिर से इसमें क्लिक करना है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे ब्लेंडिंग पे जाना है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो इसको हाई कर देना है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर से यहीं पे क्लिक करना है, सेम लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, जो वर्ड आप चाहते हो वो वर्ड सर्च करने पे मिल जाएगा, वो काइन मास्टर सॉरी क्रोम ब्राउजर पे, जैसे मेरा एम है तो मैंने एम सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद इसको भी सेम इसे ही छोटा कर लेते हैं, इसको भी, इसको छोटा करने के बाद साइड में लेके आ जाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से ले लिया। उसके बाद इसको भी सेम जितना, अगर यहाँ पे बाकी हिस्सा है तो इसको काट के फेंकना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इस एम वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद कैची पे जाके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ से शुरू कर दे इस वीडियो को, देख सकते हो। इसके बाद सेम उसी तरह से चाबी वाला आइकन पे क्लिक करना है, आइकन पे क्लिक करने के बाद वीडियो को थोड़ा सा आगे लाना है और एम वाले आइकन को नीचे कर देना है थोड़ा सा, इसको सेम फिर से वैसे ही कर देना है, सेम फिर वैसे ही, उसके बाद फिर से वैसा ही कर देना है, थोड़ा सा गलती हो गया, वही सही सेम था, तो लास्ट में जाके इसको
सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं चालू करके इसको कितना अच्छा हुआ है। उसके बाद इसका भी सेम क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लाना है, ब्लेंडिंग पे जाना है, इसको भी कर देना है, रेजोल्यूशन कम कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे वीडियो की शुरू में आ जाते हैं और यहाँ से हम उस बादल वाला आइकन को ले लेना है, बादल वाला PNG को। तो वो बोला लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से मैंने ले लिया इसको। इसको लेने के बाद सॉरी ये नहीं है, वैसे ही सेम ले लेना है, मीडिया पे जाना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, उसके बाद उस वाला बादल को ले लेना है। तो बादल को फाइनली मैंने ले लिया, उसको थोड़ा सा उसको ऊपर कर देना है। इसको भी सेम रेजोल्यूशन पे जाके, ब्रांडिंग पे, रेजोल्यूशन पे जाके इसको कर लेना है बड़ा। उसके बाद फिर से उसमें ही क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और लास्ट में जो है इसको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके काट देना है, देख सकते हो। उसके बाद फिर से वीडियो पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन पे क्लिक किया और फिर रेजोल्यूशन, देख सकते हो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, इसको भी सेम ऊपर कर देना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पे क्यू वाला आइकन पे क्लिक करना है, सेम क्यू वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद, क्लिक करने के बाद वीडियो को थोड़ा सा आगे लाते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। फिर से वीडियो को थोड़ा सा आगे लाते हैं, इसको फिर से थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से आगे लाते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं, लास्ट में लाके छोड़ देते हैं इसको। तो वीडियो देखते हैं आप कितना अच्छा हो गया, चालू करके देखते हैं शुरू से, देख सकते हो वीडियो में उंगली दिखाते ही देख सकते हो। तो ऐसे आप लोग बना सकते हो। और साउंड, इस पर जो साउंड लेना है तो उसको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहाँ से साउंड को डाउनलोड करके लगा सकते हो। ऐसे लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, उसके बाद जिस साउंड को आप लगाना चाहते हो यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड कर लेना साउंड। तो मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद क्या करना है, नीचे जाके ऑक्सट्रूड ऑडियो कर देना है, जैसे देख सकते हो। इसको ऑक्सट्रूड ऑडियो करने के बाद इस जो ये जो हिस्सा रह गया इसको कर देना है यहाँ से डिलीट, देख सकते हो साउंड ऐड हो गया हमारा यहाँ पे। तो साउंड चला नहीं सकता क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए देख सकते हो ये हो गया हमारा वीडियो रेडी। तो इसको सेव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, जाके इसको हाई क्वालिटी पे सेव कर लेना है, यहाँ से सेव कर लेना है। तो वीडियो हमारा हो गया ओके। सो थैंक यू सो मच, वीडियो अगर फुल देखा तो एक कर दो लाइक, और पता ही है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल कर देना है। मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए ओके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट दूसरे वीडियो पर ओके, बाय।